पाकिस्तान भी 4 जून के सरप्राइज का वेट कर रहा है। 2014 याद कीजिए, जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, एक इंटरव्यू में मोदी ने खुद बताया था कि किस तरह उन्होंने 8 देशों के नेताओं को बुलाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला और भारत की विदेश नीति की दिशा बदल दी। पाकिस्तान को फिर से 2014 याद आ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी बिगड़ी बात फिर से बन सकती है, भारत से बातचीत फिर शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के सारे कैलकुलेशन टिके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 जून पर। इसलिए पाकिस्तान में भारत के चुनावों का हर सर्वे देखा जा रहा है, मोदी की हर स्पीच सुनी जा रही है और बीजेपी का मैनिफेस्टो तक पढ़ा जा रहा है। इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। रामलला के ललाट पर दमकता सूर्य और हेलीकॉप्टर में बैठकर ये अद्भुत दृश्य देखते भाव विभोर नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों से पाकिस्तान ने 4 जून का नतीजा आज ही निकाल लिया। मोदी ताकतवर वजीराजम, मौशी तरक्की के साथ उसके एजेंडे में हिंदू पॉपुलिज्म सर फहरिस्त है। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना, इट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ 2 दिन बाद पहले दौर का चुनाव, पाकिस्तान में घनघोर तनाव। बॉर्डर पार में दुश्मन तैयार है आपका जमीन लेने के लिए। मोदी एक बार फिर आ रहा है, थर्ड टर्म जो है वो मोदी लेने जा रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो दहशत गर्दों को पनाह दे रखी है और इस तरह के लोग इकट्ठे कर रखे हैं। भारत के चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिका भागा, किससे मिला? आप सऊदीया जाके हाथ फैला देते हैं, आप दुबई जाते हैं, आप वहां पे हाथ कटोरा रख देते हैं। जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर पाकिस्तान शान से सफर कर रहा था, उसी मोटरसाइकिल ने उसे आज बीच सड़क पर पटक दिया। इमरान के समर्थकों के साथ ये छोटा सा हादसा तो पाकिस्तान की सड़क पर हुआ, लेकिन पूरे पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हादसा आज वॉशिंगटन डीसी में हो गया। बाइडेन सरकार के दरबार में जिस अमेरिका के कंधे पर चढ़कर पाकिस्तान ने 75 साल बिताए, आज उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को नीचे उतार फेंका, क्योंकि सवाल मोदी का है। पाकिस्तान ने आज दूसरी बार अमेरिका में मोदी की शिकायत की। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि मोदी घर में घुसकर मार रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से कह दिया कि वो बीच में नहीं पड़ेगा। So Indian Prime Minister Modi and his defense minister have said in a campaign speech that the new India will not hesitate to cross borders to kill terrorists. They are kind of confessing to the assassination of Niger in Canada, Panu's murder to high plot in New York, and killings in Pakistan. Is this statement a concern for Biden? So, as I have said before, the United States is not going to get into the middle of this, but we do encourage both India and Pakistan to avoid escalation and find a resolution through dialogue. Modi teesri baar chunav jeet kar aa rahe hain, puri taakat se aa rahe hain, aur agle 5 saal mein apne sankalp patra ka ek vaada pura karne ja rahe hain. मोदी की शिकायत करने पहुंचे पाकिस्तान को यह बात अमेरिका ने समझा दी है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से समझ भी ली है और अब पूरी रिपोर्ट बैठकर पढ़ रहा है। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है? क्या इंडिया अगले चंद सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने लगा है? ये डेटा पेश किया है, ये रिपोर्ट पेश की है सीएनएन ने। इतने बड़े बड़े इदारे जो दुनिया के पेश करें ये रिपोर्ट्स, वो इसलिए पेश करें कि उनको ये लग रहा है, उनको ये नजर आ रहा है कि मोदी एक बार फिर आ रहा है, थर्ड टर्म जो है वो मोदी लेने जा रहा है। और फिर इस वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ये फिर तो ये नजर आ रहा है कि थर्ड टर्म मोदी की है और उसमें वो कह रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये जो है ये डेटा पहले से ही पेश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में मोदी पूरे हिंदुस्तान को घूम घूम कर समझा रहे हैं कि पूरे बहुमत की सरकार का क्या मतलब होता है।
मजबूत सरकार का क्या मतलब होता है और क्यों 400 का आंकड़ा हिंदुस्तान का नया भविष्य लिखे जाने के लिए जरूरी है। ये बातें पाकिस्तान की आवाम भी गौर से सुन रही है क्योंकि उसे पता है कि इलेक्टेड सरकार और सेलेक्टेड सरकार का फर्क क्या होता है। इतने बड़े बड़े मैगजीन, इतने बड़े बड़े इदारे पीएम मोदी को एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। पाकिस्तान के लिए करप्शन की डॉक्यूमेंट्रीज, पाकिस्तान पर स्पेशल करप्शन की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है, वहीं पर पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, पीएम मोदी के जो इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, दुनिया देख रही है। हमने अमेरिका का साथ जो है वो फजूल में दे रहे हैं, हमने रूस का साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फायदा सोचा और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही बात है, आप क्या कहती हैं? मैं भी यही कहती हूँ कि मोदी ने जो है ना वो रूस का ज्यादा साथ दिया है और उसने अमेरिका की दुम नहीं पकड़ी है। वहाँ पे पूरी दुनिया से जो है लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास कौन आएगा? हमारा तो यहाँ पे हालात ही सारे खराब है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। हमारे मुल्क में हुक्मरान अच्छे है ही नहीं, आप देख लेंगे किस तरह वोटिंग की है, किस तरह वोटिंग, कितने धांधली से ही आ गए हैं। ऑप्शन जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम लो लेवल पे जा रहे हैं उनकी नज़र में भी, क्योंकि उनके हुक्मरान अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी आल औलाद के बारे में सोचते हैं। मोदी की लीडरशिप पर अमेरिका मुहर लगा चुका है तो अमेरिका विरोधी रूस भी मोदी को ही बड़ा लीडर मानता है। इसराइल भी मोदी को सुनता है तो इसराइल विरोधी ईरान भी मोदी की ही सुनता है। इसके अलावा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई जैसे अहम देश मोदी की लीडरशिप को सलाम करते हैं। मोदी की इस ग्लोबल लीडर वाली इमेज से अगर कोई परेशान है तो वो बस पाकिस्तान है। नरेंद्र मोदी साहब का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, तो तारड़ साहब पाकिस्तान से वो बात ही नहीं करते, हम भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। चीमा साहब जब आप रेड सी के अंदर भी जाके अपने ट्रेड को और अपने शिपिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ लीडर इन ग्लोबल साउथ। चीमा साहब जब आप अपने सिटीजन को जहां भी बैठे हो आप किसी कीमत पर भी उनको उठाकर वापस अपने मुल्क में ले जाने की सलाहियत रखते हो या उसका दर्द रखते हो या उसके लिए कोशिश करते हो, यू आर ए ग्लोबल लीडर। ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ मोदी पीरियड ऑफ लास्ट 10 years और वो ही हैज बिकम इनविंसिबल अनडिफीटेबल। उनको डिफीट करना और रिप्लेस करना इट इज नॉट पॉसिबल। आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब वॉशिंगटन डीसी में घुटनों पर हैं आईएमएफ के, तो मेरी बिल्कुल डेफिनेशन ये बनती है आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या दोगे। पाकिस्तान फिलहाल अमेरिका से पूछ रहा है कि क्या दोगे। एक बार फिर देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पाकिस्तानी पत्रकार जहांजेब अली अमेरिका से मोदी की शिकायत कर रहे थे। शिकायत के बाद उनका अगला सवाल यही था कि अमेरिका से पाकिस्तान को मिलेगा क्या। पाकिस्तान has initiated discussions with the IMF over a new multi-billion dollars loan agreement. Pakistani finance minister is here and seeking US help in terms of investments. Is US supporting or can support Pakistan in these challenging times? पाकिस्तानी वित्त मंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं अगले कर्ज की अर्जी लेकर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पर खड़े हैं। मजे की बात देखिए, वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं, यानी अमेरिका में भारत की चुगली करने के बाद पाकिस्तान एक भारतीय से ही भीख मांग रहा है। बकायदा तौर पे ग्रुप्स की सूरतों में हज पे बड़े बड़े ग्रुप्स जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो भाई ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर आपका जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो एक रोल मॉडल के तौर पे यही काम सूट सूट पहन के करता है, अब आप कहते हैं जी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, यार किस बात पे? यानी आप वर्ल्ड बैंक के सामने जाके हाथ फैला देते हैं, आप आईएमएफ के सामने जाके हाथ फैला देते हैं, आप सऊदीया जाके हाथ फैला देते हैं, आप दुबई जाते हैं आप वहां पे हाथ कटोरा रख देते हैं, कुवैत जाते हैं कटोरा रख देते हैं, यार को डाल दो इसके अंदर। पाकिस्तान में तो पूरी लड़ाई इलेक्टेड और सेलेक्टेड की ही है। इलेक्टेड और सेलेक्टेड सरकार के नाम पर पाकिस्तान में घमासान छिड़ा है,
फौज के सेलेक्टेड शरीफ कुनबे को पीएम मानने से मुल्क इनकार कर रहा है और जनता के इलेक्टेड इमरान खान को फौज ने जेल में कैद कर रखा है। इसीलिए इमरान समर्थक ये डर दिखा रहे हैं कि मोदी तीसरी बार आएगा और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। और आपकी सबसे बड़ी स्टेबलाइजिंग फैक्टर, आपकी फौज डिस्टेबलाइज होती है, बॉर्डर पार तो दुश्मन तैयार है आपका जमीन लेने के लिए। खान साहब ने हमें जो सबसे बड़ी बात जेल में कही, पहली दफा 25 मिनट मुलाकात थी, दूसरी दफा 15 मिनट की मुलाकात थी, दोनों में उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश की बात की कि मेरा मुल्क ना टूटे, मेरा मुल्क ना टूटे। मजे की बात देखिए, एक तरफ पाकिस्तान खुद का वजूद मिटने की कगार पर है, लेकिन मोदी और हिंदुस्तानियों की राम के प्रति आस्था से पाकिस्तान को इतनी चिढ़न हो जाती है कि वो भारत के टुकड़े होने के सपने खुली आंखों से देखने लगता है। मोदी ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म, मौशी तरक्की के साथ उसके एजेंडे में हिंदू पॉपुलिज्म सर फहरिस्त है और इंडिया के टुकड़े होने का इम्कान भी है। बिल्कुल सादा बात है। तो ये जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इकोनॉमिस्ट की किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं। मोदी से डरकर पाकिस्तान के तथाकथित एक्सपर्ट भारत के टुकड़े होने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है? पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उसकी फौज भारत से दुश्मनी का तमाशा बंद करे, ताकि फौज का भारी भरकम बजट भूखी जनता के काम आ सके। पहले हम दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी, हमें फलों में सब्जियों की कीमतों में काफी रिलीफ मिल जाता था, तो क्या लगता है दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी होने चाहिए, अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह तो बेहतर होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए, अपना मोस्टली बजट लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, हालांकि आई डोंट थिंक अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशन होंगे तो हमें इतना बजट डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली बजट जा रहा होता है। तो हम लोग अगर पीसफुली रहें तो हमें शायद उस बजट में से भी कुछ रिलीफ मिल सके।